बहुत समय पहले की बात है, जौनपुर गांव में हीरालाल नाम का एक किसान रहता था। दिन भर अपने खेत में मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करता था। हीरालाल को अंडे बेहद पसंद थे। उसके घर में हमेशा ढेर सारे अंडे रहते थे। उसकी पत्नी आशा उन अंडों से रोज कुछ ना कुछ पकवान बनाती रहती। कभी अंडा भुर्जी, कभी ऑमलेट, तो कभी अंडे की सब्जी। हीरालाल का अंडा प्रेम देख के कभी कभी उसकी पत्नी आशा गुस्सा हो जाती। क्यों जी, रोज अंडे खा खा कर आप उब नहीं जाते? मैं तो थक गई हूँ। लोग चिकन, मटन, मच्छी भी खाते हैं, लेकिन आपको हर रोज बस अंडे ही चाहिए। अरे, ये सारी चीजें हर रोज नहीं खाई जा सकती ना, कितनी महंगी होती है, ऊपर से पकने के लिए बहुत ज्यादा समय लेती है। अंडे सस्ते होते हैं और जल्दी पका सकते हैं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अंडे पकाने में? वैसा है तो बोल दो, मैं खुद बना के खाऊंगा। लेकिन अंडे को कोसना बंद करो। दिन बीतते गए और उस साल उनके गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी। अकाल पड़ गया। सारे झरने, नदी, कुएं सूख गए, पेड़ पौधे नष्ट हो गए। भेड़, बकरियां, गायें सब मुश्किल से जी रहे थे और गांव वालों की हालत भी खराब थी। हीरालाल सोच में पड़ गया। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो। अनाज सब्जी उग नहीं रही और लोग बकरियां और मुर्गियां खाए जा रहे हैं। बाजार में अंडे आना कम हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो रोज मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। बिना अंडों के तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। एक दिन ऐसे ही हीरालाल अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसका हल जमीन में अटक गया। हल हिल ही नहीं रहा था, इसलिए हीरालाल ने जमीन को नजदीक से देखा तो वहाँ उसे कुछ गड़ा हुआ नजर आया। उसने कुदल मार के देखा तो एक बड़ा सुनहरे रंग का घड़ा दिखा। हीरालाल ने उस घड़े को जमीन से बाहर निकाला, लेकिन वो वजनदार घड़ा उसके हाथों से फिसल कर जमीन पर गिर गया और फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा, उसमें से एक अजीब रोशनी निकल आई और एक देवी प्रकट हुई। हीरालाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक देवी शक्ति हूँ, लेकिन श्राप की वजह से इस घड़े में बंद हो गई थी। तुमने मुझे मुक्ति दी है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहे मांग लो। तुम आसमान की तरफ देख के जो मांगोगे उस चीज की बरसात होगी। धन्यवाद। ऐसा कहकर देवी वहाँ से अदृश्य हो गई। हीरालाल खुश हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और कुछ सोचा। अरे वाह, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे ये आशीर्वाद मिला है। बहुत दिन हो गए मैंने अंडे नहीं खाए, मेरे लिए अंडों की बारिश हो जाए। कुछ ही क्षण में आसमान से अंडों की बारिश होने लगी। गांव में हर जगह आसमान से अंडे गिरने लगे। लोग चकरा गए और ये अजीब बात देखकर डर गए, लेकिन हीरालाल खुश था। अंडे लोगों के सिर पर गिरकर फूटने लगे। हीरालाल की पत्नी आशा कुएं से पानी निकाल रही थी, लेकिन अंडे ऊपर से गिरते देख घर के अंदर चली गई। उसके बाद हीरालाल ने खेत में गिरे अंडों को टोकरी में जमा किया और घर ले आया। कमाल है, आपको देवी माँ ने जो वरदान दिया है उससे आपने अंडे मांगे। हद हो गई आपके पागलपन की। अरे, सोने के जवाहरात या पैसा मांगते? अगर हम अमीर बन जाएंगे तो रोज 100 अंडे खा सकोगे। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। रुको, अब देखो तमाशा। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और देवी माँ, मुझे सोने के अंडे चाहिए। उसी क्षण आसमान से सोने के अंडों की बारिश होने लगी। सारे गांव में सोने के अंडे गिर रहे थे। जैसे ही बारिश खत्म हुई, हीरालाल और आशा ने आंगन में गिरे सोने के अंडे उठा लिए और सारे गांव वाले भी सोने के अंडे समेटने लगे। दूसरे दिन हीरालाल सोने के अंडे लेकर सोनार के पास गया। अरे भाई, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे सोने के अंडे हैं। अब मैं तुम्हारे अंडे लेकर क्या करूँ? सारे गांव वालों के पास भी सोने के अंडे हैं। इसकी वजह से सोने का भाव भी कम हो गया है। जाओ जाओ, घर जाओ, मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकता। हीरालाल घर आया और उसने आशा से कहा, सुनती हो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। देवी के वरदान का मैंने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, हमें तो पानी की जरूरत है, और मैंने बिना काम के सोने के अंडे मांगे। लोगों का भला नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब सबका भला होगा तब हमारा भी भला होगा। ऐसा कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और देवी माँ से प्रार्थना की। हे देवी माँ, मैं चाहता हूँ बारिश हो और सारे तालाब और कुएं पानी से भर जाए। कुछ ही क्षणों में जोरदार बारिश शुरू हुई। ये बारिश कुछ दिन बिना रुके चलती रही। सारे नदी नाले पानी से भर गए, पेड़ पौधे खिल उठे, उस इलाके का अकाल खत्म हो गया। खेत लहराने लगे, फसल उगी और सारा गांव